सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्ड गेमर्स। तो फिर आज हम लोग बताने वाले हैं माइनक्राफ्ट में तुम ओपी सा कैसे फार्म बना सकते हो, मतलब ओपी से एक वीट फार्म कैसे बना सकते हो जो फुल्ली ऑटोमेटिक हो, जिसमें मतलब कि कोई कोई ऑटोमेटिक फार्म ऐसा बना के दिखाता है जिसमें मतलब वीट सब तो आपको इकट्ठा हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन उसमें क्या सीट तो आपको कुछ लगाना पड़ेगा। इस फार्म में ना तो आपको सीट से कुछ लगेगा, ना कोई बटन, अपने आप चेस्ट के चेस्ट में आ जाएगा। तो ये जो फार्म मैं आपको बताने वाला, उसे बनाने बहुत ही तुरंत बना सकते हो। तो वीडियो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते। तो इसे बनाए तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से एक 9x9 का होल डिक कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से 9x9 का होल डिक करने के बाद आपको बस थोड़ा सा रेस्टोनिंग करना है। तो फिर अब आपको आके यहाँ पर पूरे के पूरे जगह में रेल बिछा देना है, जैसा कि आप यहाँ देखिए पूरा में आपको कुछ इस तरीके से पावर ड्रिल बिछा देने की पूरा जगह कवर हो जाए, गोल गोल घुमा के मैं आपको पूरा बिछा लेता, फिर आपको दिखाता है इसे कैसे बिछाना है। अगर आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने किस टाइप में यहाँ रेल बिछाया, तो आपको भी एग्जैक्टली सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पर रेल बिछा देना। एग्जैक्टली इस तरीके से रेल बिछाने की जो रेल हो वो एग्जैक्टली यहाँ से ऐसे गोल गोल घूम घूम के एग्जैक्टली यहाँ पर उतर फिर वापस वहाँ से ऐसे घूम जाए, ऐसे गोल गोल घूमने के हिसाब से बनाना है। अब ये करने के बाद अब आपको एक एक जगह देख देख के बीच बीच में एक जगह ऐसे ब्लॉक लगा के उसके ऊपर से करके आपको रेड स्टोन लगा देना है। मैं रेड स्टोन लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वहाँ पर ऐसे रेड स्टोन टॉर्च लगाना है कि ये रेल वर्क करे। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस तरीके से रेड स्टोन लगाई कि बाकी सब चल गया, तो टाइम लगे इसलिए कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जितना रेड स्टोन है साइड में लग के जल जा रहा था। जैसे कि यहाँ मैंने चार रेड स्टोन लगाई ये बोल के कि चार चार साइड के जल जाए, लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हो तो बीच ऐसा चले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बाकी के जो रेड स्टोन आते हैं जमीन के अंदर से आपको करना पड़ेगा। अब जैसे कि देख सकते हो मैंने जमीन के अंदर पूरा लीवर का कनेक्शन दिया जिससे कि ये जगह पूरा बोल के ऊपर का जला है, आप नहीं तो ऊपर में करते तो पानी उन्हीं से पूरा हट जाएगा, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से आपको जमीन के अंदर में ही करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ले लेना एक माइनक्राफ्ट विद रेल और अब आपको यहाँ पे उसको यहाँ पे ऐसे रख देना और आपको ये चेक करना कि एकदम घूम के एग्जैक्टली लग यहाँ पे आए और फिर वापस घूमने चल जाए, तो फिर एक बार आपको ऐसे करके ये चेक करना। तो फिर अभी आपको इसकी स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना, स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके ऐसा स्टेयर जैसा बना लेना है। अब इस तरीके से स्टेयर जैसा बनाने में अब आपको ले लेना है चेस्ट और अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे ऐसे करके आपको यहाँ पे लगा देना है चेस्ट। अब चेस्ट करने में आपको ये वाला रेल तोड़ना है और यहाँ पर से आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे एक हॉपर लगा देना है, ये जो एग्जैक्टली ये जो चेस्ट है इससे कनेक्ट करके यहाँ पर आपको क्राउच करके चेस्ट में से क्लिक कर देना हॉपर को, जिससे वो चेस्ट से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये करने आपको वापस पावर रेल लेके यहाँ पे क्राउच करके इसके ऊपर लगा देना है। अब ये करने के बाद अब आप वापस से यहाँ पर लगा दीजिएगा माइन का वितरे। अब ये करने के बाद आप यहाँ पर ले लीजिए ये ग्रास और यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से इसको ऐसे ढक देना है। अब ये ढक देने के बाद अब आपके यहाँ पे कनेक्शन सिस्टम बन गया, जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर उतर के आएंगे और आप यहाँ से ये सामान ऐसे उठा सकते हो और आपको कर देना इस वाले ब्लॉक को हो जिससे कि चेस्ट आराम से खुल जाए। तो गाइस आप जैसे देख सकते मैंने कलेक्शन सिस्टम थोड़ा चेंज किया, तो पहले यहाँ पास एक होल लगा था ये हॉपर और यहाँ दो चेस्ट लगा था, लेकिन उसमें यहाँ पर ऊपर में डट लगाने में एक और डट लगाने पड़ रहा था जिससे चेस्ट ओपन नहीं होता, लेकिन अगर एक ही डट लगा रहा था तो लूक कच्चा नहीं आया था। तो मैंने किया था कि यहाँ पर जो एक हॉपर था यहाँ से चेस्ट तोड़ के उसमें एक और हॉपर कनेक्ट कर दिया और उसमें से ये चेस्ट कनेक्ट करके यहाँ पर एक स्लैब लगा दिया। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर आ जाएंगे फिर और यहाँ पर आप ऐसे क्राउच और ग्रास ब्लॉक भी लगा देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कलेक्शन सिस्टम बन जाएगा। अब आपको यहाँ कुछ इस तरीके से कर देना है और आपको यहाँ से कलेक्शन सिस्टम भी बन जाएगा। अब कुछ अब जैसे यहाँ पर आएंगे आप यहाँ से ऐसे करके सामान यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ का चेस्ट ओपन करके चेस्ट टूटे मैं वापस लगा दूंगा, ये चेस्ट खुल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फिर तो खोल के दिखा दे रही हूँ, आप ये हो गया और ये यहाँ पर ऐसे लगा था ये वाला ब्लॉक, देख सकते हैं यहाँ पर ये चेस्ट खुल रहा है एकदम नंबर एक नंबर ये चेस्ट खुल रहा है। अब जैसे देख सकते ये बन गया कलेक्शन सिस्टम की। अब आपको यहाँ पर वापस लगा देना है ये माइनक्राफ्ट विद रेल, तो फिर अभी यहाँ पर माइनक्राफ्ट विद रेल वापस लगा दीजिए और अब आपके ये मतलब कलेक्शन सिस्टम पूरा बन चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, अब आपको करना क्या कि जस्ट अब इसके ऊपर में जो एक ब्लॉक अब आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आपको उसे ग्रास ब्लॉक से ढक देना है, पूरा आपको ढक देना है, पहले ढक लेकर फिर आपसे मिलता हूँ। जैसे देख सकते हैं पूरा का पूरा से ढक दिया, बस बीच का एक ब्लॉक खुला है जो वहाँ पे क्या बोलते हैं पानी डालेगा, इसलिए ये ब्लॉक वो है जहाँ पे पहले से ग्रास ब्लॉक लगा था। अब ये करने के बाद अब आपको करना क्या है कि ये जितना भी जगह था जिसमें ये ग्रास ये उगेगा, मतलब जितना जगह में ये पूरा हॉपर घूम रहा है उतना जगह को जस्ट बाद में आपको पूरा का पूरा स्क्वायर में उसे वाल्स लगा देना। मैं पहले ये पूरा वाल्स लगा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ।
तो फिर आप जैसे देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा यहाँ वॉल लगा दिया। अब मैं आपको इतना बता दूँ कि वॉल जितना है ये हॉपर एग्जैक्टली इस जितना भी वॉल इसके अंदर ही घूम रहा है, जिससे कि पूरा सामान आराम से कलेक्ट हो जाएगा और आखिर में जाके इस चश्मा आएगा। तो फिर इस तरीके से करने के बाद अब आपको ले लेना है यहाँ से वाटर, और आपको यहाँ पर लगा देना है वाटर का एक बकेट, और आपको ले लेना है कंपोस्टर, और क्राउच करके आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक लगा देना है इसके ऊपर एक कंपोस्टर। अब ये कंपोस्टर लगाने के बाद अब आपको ये पूरे जगह को जितना भी इस बाल के अंदर जगह आ रहा है आपको इस पूरे के पूरे जगह को कर देना है हो, पूरे जगह को वो कर लेते पहले मैं फिर आपसे मिलता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हो पूरे के पूरे जगह को वो कर दिया। अब यहाँ पर पूरा वो करने के बाद अब आपको पूरे जगह में सीट लगा देना। अब सीट में तो कैरेट पोटैटो आपको जो सा भी क्या बोलते चीज़ आपको चाहिए अपने फार्म में वो चीज़ लगा दीजिए। आपका मतलब अगर आप सीट लगा दे वीट होकर आपकी ये पूरा फार्म में सिर्फ उसे पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली वीट उगते जाएगा, कैरेट पूरा का पूरा कैरेट उगते जाएगा। आपको जो चीज़ चाहिए आपको वो लगा देना। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए लगा दूंगी यहाँ पूरे की जगह में सीट, पहले मैं लगा लेती हूँ सीट फिर आपसे मिलता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने पूरे के पूरे जगह में सीट लगा दिया। अब मान लीजिए आपका फॉर्म बिल्कुल रेडी है, अब ये करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, अब बस आपको ले लेना एक बेड और अब आपको लगा देना उसको यहाँ पे। जैसे फिर मैंने एक बेड लगा दिया। अब ये ध्यान रखिए कि इसे दीवार से टच करके मत लगाइएगा, यदि अंदर विलेजर्स आएंगे और अगर गलती से ज़ॉम्बी इस बेड को टेप के चल गया या ऊपर तो फिर वो विलेजर को मार देगा। तो बस अब आपको ले लेना है यहाँ से विलेजर को, अब विलेजर को अब सर्वाइवल बना रहे ला के यहाँ पर कैसे भी डाल दीजिए एक विलेजर। अब यहाँ पे आपको डाल देना एक विलेजर को कुछ भी करके। अब यहाँ पर जैसे विलेजर को डालेंगे वो ले लेगा फार्मिंग का जॉब, और फार्मिंग जॉब करना आपका पूरा का पूरा फार्म रेडी है। मैं तो आपको बता देती हूँ फार्म वर्क कैसे करेगा, तो अभी बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए फार्मर है। अब आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही वीट हो गया ये फार्मर जरूर तोड़ेगा, और नीचे में चल रहा माइका वीट होकर जिसे वो तोड़ेगा थी इसके पास आने की जगह वो जब गलती चल जाएगा वो खतर में, और वो जितना तोड़ेगा वो खतर में जाएगा, और खतर की वजह से वो कलेक्टिंग सिस्टम में जाकर वो आ जाएगा इस चेस्ट में, और इस तरीके से वो चेस्ट में आ जाएगा। और अभी आपको मैं इसको क्या बोलते हैं ये लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला कि वो चेस्ट में कैसे आने वाला है। तो फिर आप जैसे ही देखते हो पहले मैं आपको दिखा दूंगा चेस्ट पूरा खाली है, देख लीजिए बस यहाँ पर दो माइनक्राफ्ट है और एक सीधे जो गलती से पहले ये फार्म बनाना चाहिए। देख लीजिए मैं इस दोनों को भी निकाल लेता हूँ, और अभी आपके सामने मैं लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं कि दोनों चेस्ट खाली था। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई चीज़ उगता है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोनलेस उगा के दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे कोई चीज़ उगेगा अभी देख लीजिए उगा दे रहा हूँ मैं बहुत सारा यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ से हट जाऊँगा थोड़ा साइड। अब आप यहाँ पर एफ के चल जाएंगे तो ये पूरा का पूरा ये वीट टूटने लगेगा। अब जैसे मैंने यहाँ वीट उगा दिया आप थोड़ा देर के यहाँ साइड चल जाएंगे तो फिर ये जो विलेजर ये वीट को तोड़ के यहाँ वापस सीट लगाने लग जाएगा। जब जैसे कि देखते हैं मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर सुबह कर दिया कुछ वीट भी लगा दिया, और अब जैसे कि ये जो विलेजर ये वीट तोड़ रहा है और ये जो विलेजर ये वीट तोड़ रहा है उसका सीट भी लगाते जा रहा है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए विलेजर वीट तोड़ के सीट लगातार लगाते जा रहा है। अब इससे वो क्या रहा है कि जो वीट लगा रहा है ये यहाँ पे ये होते भी जा रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर आके बाद में चर्च में देखेंगे तो यहाँ पर ये आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए माइनकट अभी काम नहीं करें, पहले यहाँ पर अभी ये सब माइनकट को ये सब वीट तोड़ने दीजिए और ये माइनकट को इसे लेने दीजिए। तो गाइस अब जैसा कि देख सकते हैं विलेजर ने पूरे की पूरे वीट तोड़ी। अब जाकर हम यहाँ पे मान लीजिए चेस्ट में चेक करते हैं कितना वीट आता है। फिर आप जैसे देख सकते पहले यहाँ पे एक भी वीट नहीं था ना कुछ, तो मैंने आपके सामने खाली किया था। अब आप देख लीजिए यहाँ पे दो वीट और 21 या दो सीट और 21 वीट आ गया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा वीट लगाया था, तो एक दो मतलब कि कुछ कुछ वीट ये विलेजर के पास भी चल जाता है, और जब माइनक्राफ्ट थोड़ा मेरा दूर रह लेता वो सामान से। तो फिर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इतना वीट है, मतलब क्या करिए अभी मैंने लगाया था ये मतलब जब पूरा हो गया तो कितना आ जाएगा। और आप चाहते हैं ये कंपोस्टर के नीचे भी लगा सकते हैं जिससे कि बोनमिल भी आ सकते हैं आपको ये लगा सकते हैं ऑपर। तो फिर इसी तरीके से मतलब ओपी सा फार्म बना सकते हो जो बहुत अच्छी काम करता है, और आप यहाँ पर और दो तीन कंपोस्टर लगा और तीन चार फार्म लगा दोगे तो और जल्दी ये काम करेगा। तो इसी तरीके से अगर हम ओपी सा फार्म बना सकते हो फुल्ली ऑटोमेटिक, आपको बस 2 मिनट एफ के रहना है और ये बहुत ही ओपी काम करेगा। तो इसी तरीके से अगर हम ओपी सा बना सकते हो फार्म, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं मैं वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।